अक्सर आपने राजनेताओं को शान और शौकत की जिंदगी जीते देखा होगा, लेकिन देवास सांसद ने सादगी की एक अनूठी मिसाल पेश की है। बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने फुटपाथ पर बने एक सैलून पर अपने बाल कटवाए। अब सांसद महोदय की ये सादगी खूब सुर्खियां बटोर रही है। जरा आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। फुटपाथ पर बनी दीवार पर आईना और कुर्सी लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे इन सैलून वालों के पास कोई गरीब आदमी ही दाढ़ी कटिंग बनवाने जाता है। ये बात तो आपने अक्सर देखी ही होगी, जिसके पास पैसा है बड़े बड़े सैलून में जाकर अपनी दाढ़ी कटिंग बनवाते हैं। पर आज एक अलग ही नजारा देवास में देखने को मिला। इंदिरा गांधी चौराहे पर बने फुटपाथ पर एक सैलून वाले के पास जब सांसद की नेम प्लेट लगी गाड़ी रुकती है तो सैलून वाला पहले तो घबरा जाता है, पर उसमें से जब सांसद महोदय उतरकर उसकी कुर्सी पर बैठकर उसे कटिंग और दाढ़ी बनाने का कहते हैं तो सैलून वाले का चेहरा खुशी से खिल जाता है। उसने सोचा भी ना था कि कोई इतना बड़ा आदमी उसके सैलून पर आकर कटिंग करवाएगा। जैसे ही देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सैलून वाले से दाढ़ी कटिंग बनाने का बोला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्या था, उसने सांसद महोदय की वहीं पर दाढ़ी कटिंग बना दी। महेंद्र सिंह सोलंकी का मानना है कि इससे छोटे दुकानदारों का न सिर्फ मनोबल बढ़ता है बल्कि उनको खुशी भी मिलती है। रमेश वर्मा जी मेरे ऑफिस के पीछे ही रहते हैं वो, और कई बार उनसे मेरी बात होती थी तो मुझे लगा कि एक दिन इनके यहाँ पर जाके अपने को कटिंग बनवाना चाहिए। आज मेरा कटिंग बनवानी भी थी तो उनके रमेश वर्मा जी के को मैंने बता दिया था कि मैं कटिंग बनवाने आपके आ रहा हूँ, और वहाँ पर मैं जब कटिंग बनाने गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनके चेहरे पे स्माइल आई और मुझे ऐसी कोई असुविधा भी महसूस नहीं हुई कि बड़ी दुकान में और छोटी दुकान में कटिंग बनवाने में कोई अंतर आता हो, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं जब नौकरी में था न्यायाधीश के रूप में उस समय भी मैं कभी भी अपने घर पर कटिंग नहीं बनवाता था किसी को बनवा कर, उस समय भी मैं इसी तरह से छोटी दुकानों पर जाकर ही अपनी कटिंग, कुछ नहीं छोटी छोटा रूप में धंधा करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जब उनके चेहरे पे स्माइल आती है तो मुझे भी खुशी होती है, इसलिए मैं चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपनी चॉइस है, जो व्यक्ति बड़ी दुकान पे जाते हैं वो भी सही करते हैं और जो छोटी दुकान पे जाते हैं उन्हें भी जाना चाहिए। नहीं, सभी सुविधाएं थी वहां पर, उन्होंने जो कपड़ा यूज़ किया वो फ्रेश कपड़ा यूज़ किया था, सैनिटाइज सारा सामान उन्होंने मेरे सामने किया, नैपकिन उन्होंने अच्छा वाला यूज किया था, तो ऐसा कोई कोरोना काल में कोई छोटी दुकानों पर भी, मेरा ये कहना है कि हमारे आसपास जो भी लोग छोटे रूप में काम करते हैं, वो भले फूड्स का काम करते हों, कटिंग का काम करते हों, शू मेकर का काम करते हों, छोटी छोटी होटल चलाते हों, उनके यहाँ भी हमें जाकर और उनकी सेवाएँ लेना चाहिए ताकि उनका भी जीवन निर्वहन जो है आसानी से होता रहे, सुविधापूर्वक होता रहे। वहीं दुकानदार राजेश वर्मा देवास सांसद की इस सादगी से प्रफुल्लित दिखे। सांसद साहब कटिंग कर दी, अच्छा लगा, अच्छा लगा। नहीं नहीं, उनको कोई ना बताया था कटिंग बनाया थे, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा। पहली बार ही आए मेरी दुकान पे, पहली बार ही आए, बहुत सालों से लगा रहा हूँ मैं दुकान, मतलब पहली बार ही, मतलब मेरे सामने 30 साल में कोई बड़ा अधिकारी मेरे कहना आया। मेरी दुकान यही है सिविल लाइन चौराहे पे, सलूजा अस्पताल के आज कुर्सी लगाता, ऐसे सादा सिंपल हम, बस ये जो भी है ऐसा ही है अपना। कुल मिलाकर
यही सादगी भरा अंदाज सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को और राजनेताओं से अलग बना देता है। हालांकि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की सादगी भरा अंदाज पहले भी चर्चा का विषय रह चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देवास।